हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता। मैं गला बनाने सिखाऊंगी और साथ में शोल्डर को ज्वाइन करना भी बताऊंगी। तो पहले हम दोनों पल्लों को, जो फ्रंट का है और बैक का, एक जैसे एक बराबर हो गए हैं, लेंथ उनकी बराबर हो गई है, और उनका जो थ्रेड है वो शोल्डर की तरफ हो, दोनों दोनों का, बैक का भी और फ्रंट का भी। फिर हम उनको डबल धागे से ही बुनते जाएंगे और उसको घटाते जाएंगे। तो इसी तरह से हम इकट्ठा बुनेंगे दो धागों के साथ, और दो धागों के साथ ही हम उसको घटाते भी जाएंगे, और इस तरह से हमारा जो शोल्डर है वो ज्वाइन होता जाएगा। देखिए, दो बार दो धागों से पहले बुनना है दोनों दोनों फंदों को, और फिर उसको एक के ऊपर से एक निकाल के उतार लेना है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी सेम तरीके से ही हम उसको घटा देंगे, यानी बंद कर देंगे। इधर भी हम डबल धागे से ही बुन रहे हैं, और उसको उसके बाद अब हम गले के फंदे उठाएंगे। तो ये मैंने यहाँ धागा लगा लिया है और ऐसे करके फंदे उठा रहे हैं, और साथ में हमने जो बेल्ट पट्टी के फंदे रखे हैं उनको भी ऐसे ही बुनते जाना। साथ ही अब पट्टी भी ज्वाइन हो जाएगी और इकट्ठा गला और पट्टी इकट्ठा ही बुना जाएगा, और इसको हम सीधा और उल्टा बुनते जाएंगे। और जब हमारा एक इंच के करीब हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, गले को बनाने के लिए, ये जो डबल वाला गला बना रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, पहला फंदा जो सीधा है उसको सीधा बुनेंगे, और उल्टे फंदे को हम धागा आगे करके बिना बुने उतार लेंगे। इस तरह से ये पूरी सिलाई बनाते जाएंगे। सेकंड सिलाई में हम उल्टे को बुनेंगे और सीधे को वैसे ही उठा लेंगे। और इसी तरह से पूरी सिलाई को हम बुन लेंगे। अब थर्ड सिलाई आएगी, तो थर्ड में फिर से हमने सीधे को बुनना है और उल्टे को वैसे ही धागा आगे करके इसको उतारते जाना है। इसी तरह से ये पूरी सिलाई हम पूरी कर लेंगे। अब फोर्थ सिलाई में हम सुई में धागे को लंबा धागा डालकर और उसको ज्वाइन करेंगे, सुई से ही बंद करेंगे। तो उसमें क्या करना है, पहले हमने दो स्टिचेस को सीधी तरफ से सुई में से निकालना है, और अब हम क्या करेंगे, जो सीधा फंदा हमने सुई में उतारा है उसको सीधे फंदे के साथ जोड़ना है, लेकिन सीधे फंदे को हमने उल्टा बुनना है, यानी सुई में उल्टी तरह से लेना है, और जो उल्टा फंदा है उसको उल्टे फंदे के साथ जोड़ना है लेकिन उसको सीधी तरह से बुनना है। इस तरह से हम सारी सिलाई को बुनते जाएंगे और हमें ये डबल वाला बॉर्डर फिर मिल जाएगा।